गाइस सही बता रहा हूँ, R15 को ऐसे गड्ढों में चलाना, 250 किलोमीटर अप्रोक्स वो राइड थी। और मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि इस बाइक को चलाने से क्या एडवांटेजेस मिले मुझे और क्या डिसएडवांटेजेस मिले, कि ये लॉन्ग राइड के लिए बाइक एक्चुअली है कैसी। जो मेरी कंडीशन है वो दीपक अपनी कंडीशन बताएगा। ये एग्जॉस्ट, हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज संजीत सिंह एंड यू वाचिंग माय चैनल संजीत एस किंग। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो यामा R15 V4, और ये रोड पड़ा है पूरा खाली खाली, मतलब इतना खाली नहीं है। मैं ड्यूटी से आया हूँ, तो यार मेरे को स्पेशल एक जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं खड़ा होकर इसकी वीडियो बनाऊँगा। तो आज मेरे को इसका मेन वीडियो जो मुझे बनानी है वो है इससे रिलेटेड। मैं और दीपक गए थे राइड करने, ऑलमोस्ट टोटल जो राइड थी वो 250 किलोमीटर की राइड थी, 250 किलोमीटर अप्रोक्स वो राइड थी। और मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि इस बाइक को चलाने से क्या एडवांटेजेस मिले मुझे और क्या डिसएडवांटेजेस मिले, कि ये लॉन्ग राइड के लिए बाइक एक्चुअली है कैसी। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने इस राइड में क्या फील किया रिलेटेड टू पावर एंड इसके जो पोस्चर है, इसके सीट जो है, सो इस चीज़ से मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो आज हम वो बात करेंगे। बाय द वे मैंने GoPro जो इसलिए लिया हुआ है ताकि अगर बाइक मैं ऐसे ना बना पाऊँ तो आपको जो है वॉइस क्लियर आए, तो कि मोटो व्लॉगिंग करते करते हम आपको बता सकें, क्योंकि अपना मेन मोटिव है राइडिंग व्लॉगिंग एंड बाइक्स एंड ट्रैवलिंग। ये अपने चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर पहली बार हो तो। आपको राइडिंग ट्रैवलिंग बाइक्स देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, और अपना चैनल ग्रो करेगा तो हम कंटेंट बहुत ही अच्छा अच्छा लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं, तो बात करते करते चलेंगे कि एक्चुअली हमने इसमें क्या क्या फील किया। चलो तो भाई सबसे पहले मैं राइड पे गया था, तो पावर की बात करें तो पावर में मुझे कोई कमी फील नहीं हुई। हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें BSP पावर कम है BS4 के मुकाबले में, BS6 के मुकाबले में 0.02 BHP पावर कम है, बट फिर भी मुझे पावर बिल्कुल भी कमी फील नहीं हुई है। मैं हिल स्टेशन में गया था तो हिल स्टेशन में भी मुझे कोई पावर कमी नहीं आई। जब मैं पहाड़ों पे चढ़ा रहा था, क्योंकि सोलो थे हम, तो सोलो में इजीली तीसरे चौथे गियर पे बाइक चली रही थी हिल्स में, और जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई थी वहाँ नॉर्मली दूसरे गियर पे बाइक चली गई थी और तीसरे पे भी चढ़ी रही थी। मतलब पावर में मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई कि हाँ बाइक में कमी है। तो बाकी की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग से। जहाँ पे बाइक इतनी अच्छी है, प्यारी है, पावर अच्छा है, तो वहाँ पे हैंडलिंग भाई अच्छी होनी चाहिए ताकि कटिंग करने का, लीन करने का मज़ा आए। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा लीन तो नहीं किया, बट फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा लीन करने का आ रहा था, क्योंकि इसके टायर जो हैं बहुत अच्छे टायर हैं, वाइड टायर हैं, यामा ने बहुत अच्छे दिए हैं, और हैंडल जो है इसका बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको पहाड़ों में करते हो तो मुझे लगा ही नहीं कहीं भी कि मुझे कटिंग करने में दिक्कत हो रही है, या फिर मुझे कहीं भी ट्रैफिक में इसको इजीली निकालने में कहीं से भी मुश्किल हो रही है, तो मुझे कहीं पे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अगली बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, मैं पॉइंट गिन नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी जाते जाते जो मैंने पर्सनली फील किया वो सारा ऐसे ही बता रहा हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाए मेरे से तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बाइक है, इसके अंदर हमें ड्यूल चैनल ABS मिलता है जो मुझे राइडिंग में काफ़ी अच्छे लगे, और कहीं अगर सडनली कोई बाइक, वैसे तो कोई आए नहीं, ऐसी सिचुएशन में क्रिएट नहीं होने देता कि कोई आए, तो राइडिंग के टाइम पे ब्रेक्स काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे थे इसके। ओके गाइस, तो अब अगला बात करते हैं, तो ये हो गया अपना, कितने स्टेप हो गए। पहला तो इसमें पावर की बात की हमने, जो कि पावर हमें कहीं महसूस नहीं हुई कि कम पावर है फिलहाल। जो मैं राइडिंग पे गया था बहुत मज़ा आया, और दूसरा इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और तीसरा बात करी हमने इसके टायर्स की, ब्रेक्स की, तो वो बहुत सही है। और अगला हमने बात करनी है सीट की, जो इसकी सीट है, इसकी सीट काफ़ी अच्छी है,
और सॉफ्ट है, इतनी हार्ड नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। बट प्रॉब्लम इज़ कि जैसे कि सभी को पता है कि अग्रेसिव पोस्चर है ये जो बाइक है, रेसिंग में आती है, ये एक रेसिंग बाइक है, स्पोर्ट बाइक है। तो मेन जो प्रॉब्लम आई वो आई इसके पोस्चर में। जब मैं बाइक चला रहा था तो जब तक हाईवे था तब तक मज़ा आया, और उसके बाद जब हमने गलत रोड ले लिया, हमने अपना खुद का ही दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि यार गूगल मैप यहाँ से लॉन्ग रूट बता रहा है, तो हम अगर यहाँ से साइड से निकलें तो ये रास्ता वहीं जाके मैच करता है। तो हमने उसे टैप किया और हम उस रास्ते से निकल पड़े, और वहाँ पे था रास्ता ख़राब यार। अरे बाप रे भाई, जब से उस फ्लाईओवर से मैं मुड़ा हूँ ना, ये रायपुर वगैरह जो भी क्रॉस किया है, तब से अच्छा रोड ऑलमोस्ट बहुत लंबा रास्ता ख़राब था। मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो देख लेना, बट मैंने उसमें छोटा सा हिस्सा लगाया है। इस ऑफ रोडिंग में अगर आप पोस्चर अग्रेसिव इसका है, क्योंकि है इसका, तो आपको आपकी जो कमर है उसकी बहुत बैंड बजने वाली है, और जो आपकी जांगे हैं उसकी भी बैंड बजने वाली है। अगले दिन आपको वो दर्द करेंगे ही करेंगी, मेरी भी जांगे वगैरह दर्द करी थी। और दूसरा, उस ऑफ रोडिंग की वजह से मेरे ये हाथ पूरा दर्द हुआ था, ये दोनों हाथ दर्द कर रहे थे। तो लॉन्ग राइड में, ऑफ रोडिंग के टाइम में ये प्रॉब्लम कुछ महसूस हुई। अगर आपको ऑफ रोडिंग देखने को नहीं मिलती है तो फिर आप के जो है सिर्फ कमर शायद दर्द करे। अगर पिलियन आपके पीछे बैठा है तो हो सकता है कि आपके हाथ ज़्यादा दर्द करें। अगर आप पिलियन नहीं बैठा है तो मेनली आपके या तो हल्के फुल्के हाथ दर्द करेंगे, और या फिर आपकी थोड़ी बहुत जांग दर्द करेगी। तो नॉर्मली मेरे को ये फील हुआ था लॉन्ग राइड पे, जो इसका डिसएडवांटेज था मेरे लिए। और बाकी दीपक ने मेरी बाइक चलाई, जो मेरी कंडीशन है वो दीपक अपनी कंडीशन बताएगा। भाई कैसा लगा? भाई बहुत कलाइयां दुख रही, इधर से थोड़ा सा क्लियर आएगा। हाँ, कलाइयां दुख रही है, ये दुख रहा शोल्डर, पूरा हाल है, मैं बता नहीं सकता क्या। ये सारा जो मैटर है ना, ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि ऑफ रोडिंग आ गई थी। ऑफ रोडिंग हाँ, बहुत थी। अगर यामा R15 को आप हाईवे पे चलाओगे ना तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लोगे, और अगर वहीं 2 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग आ गई लगातार, कम से कम 1 किलोमीटर भी आ गई ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो खैर, ये एक्सपीरियंस अच्छा है, ये भी राइडिंग के पार्ट से यार, पार्ट है ये, पार्ट है बिल्कुल। ये तो अभी सहना पड़ेगा, हमने सहना पड़ेगा, लंबा राइड भी करना है। तो बाकी तो बहुत बढ़िया था, बस यही चीज था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो मेरे को लॉन्ग राइड पे मेरे को महसूस हुआ। तो बाकी का कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगली बात करते हैं इसके साइड मिरर से। तो लॉन्ग राइड में साइड मिरर से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा कम दिखाई देता है, बट फिर भी यार बेटर है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बाकी थ्रॉटल वगैरह सब ऑसम था, टायर वगैरह सब मज़ा आया। और बाइक की एक और सबसे अच्छी खासियत बात पता है क्या? ये बहुत लाइट वेट है, अपनी जो बजाज की बाइक्स होती हैं NS200, RS, डोमिनार, AS, अपनी बाइक जो है वो हैवी होती है, जिसे सडनली कहीं से भी यूटर मारने में, किसी आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इसको कहीं पे भी ले जाके दिक्कत नहीं होती है। इससे कोई भी जो न्यू बंदा होगा ना, बड़ी कॉन्फिडेंटली चला लेगा। तो ये बाइक मुझे बहुत सही लगी। जो मेन प्रॉब्लम मुझे फील हुई वो थी रीढ़ की कमर दर्द होना, जांघे दर्द होना, हाथे दर्द होना। वो मेरी पर्सनल है यार, मतलब जो अगली प्रॉब्लम है वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी गर्दन का दर्द होना। रीज़न नंबर ये है कि जो GoPro मैंने लगाया हुआ होता है ना, वो GoPro बहुत हैवी होता है, बहुत भारी GoPro होता है, जिसकी वजह से जो मुझे बार बार मुंडी ऐसे उठा के देखना पड़ता है। अगर GoPro ना हो तो गर्दन में शायद ऐसे दर्द ना होता, बट GoPro की वजह से थोड़ा पेन होता ही है, ज़्यादा ही होता है एक्चुअली। और ये GoPro लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर अपना यार करियर बनाना है तो GoPro ज़रूरी है। तो बस ऐसे ही है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आज का अपना ये तरीका आपको पसंद आया हो मेरे बताने का, बाइक चलाते चलाते मोटो व्लॉगिंग बोलते हैं इसको, काफ़ी मेरे कंपनी के लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार तू अपना फेस नहीं दिखाता है। हाँ, मैं फेस दिखाता हूँ, बट राइड्स में बीच बीच में दिखाता हूँ, मेन मोटो व्लॉगिंग दिखाता हूँ और व्यूज़ दिखाता हूँ। बाकी अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ भाई तू अपना भी फेस एक बार वीडियो में दिखाया कर, देन मैं आपको अपना फेस भी दिखा दिया करूँगा। आप कमेंट ज़रूर करना,
और कोई भी क्वेश्चन हो बाइक से रिलेटेड तो वो भी बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मैं अगला ब्लॉग में बता देता हूँ कौन सा आएगा, कि मैंने पल्सर AS150 का क्या किया या मैं क्या करने वाला हूँ, ये वीडियो आएगी अपनी अगली। चलो फिर बाय बाय।